आइए दोस्तों अगला है रिस्पॉन्स टू मैनेजमेंट ओवर राइड मैनेजमेंट ओवर हेड ऑफ कंट्रोल क्या होता है जब मैनेजमेंट के लोग खुद अपने बनाए हुए इंटरनल कंट्रोल्स को फॉलो नहीं करते उसको ब्रेक करते हैं उसको बोलते हैं मैनेजमेंट ओवर हेड ऑफ़ कंट्रोल ऐसे टू बोलता है कि हर एंटिटी में मैनेजमेंट ओवर राइड ऑफ कंट्रोल की रिस्क होती है हमेशा अज्यूम करके चलो मान करके चलो कि देर इज अ रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवर रेड ऑफ कंट्रोल हमेशा मान करके चलो हमेशा आपको यह मान करके चलना है कि ऐसी प्रॉब्लम है और फिर आपको उसके लिए ऑडिट प्रोसीजर लगाना है जैसे आप इंक्वायरी कर लोगों से पूछिए कि आपको ओवरहेड के बारे में पता चला क्या कहीं से भी कुछ भी इंक्वायरी करिए डॉक्यूमेंट्स में ईमेल्स में करस्पॉन्डेंस में देखिए कभी किसी पर्टिकुलर पर्सन ऑफ मैनेजमेंट ने तोड़ने की, uh, uh, तोड़ने की कोशिश की क्या कोई मैनुपलेन के चांस तोड़ने की कोशिश की क्या मैन्युपुलेशन के चांस मतलब सिस्टम बंद करने के चांसेस किए रिलैक्सेशन के बारे में देखा करिए, फोकस करिए तीन चीजों पे, पे, आप देखिए मैनेजमेंट मतलब है? है और अकाउंटिंग पॉलिसी एस्टीमेट डिस्क्लोजर को इस तरीके से तय करता है कि बस डिजायर्ड रिजल्ट्स मिले हो सकता है से को बढ़ाना या को कम करना तो जब आपको ऐसा लगे कि मैनेजमेंट बस भाग रहा है सच्चाई को नजरअंदाज कर रहा है उसको बोलते मैनेजमेंट बायस्ड मैनेजमेंट अगर बायस्ड है तो बहुत ज्यादा चांसेस है ओवरहेड ऑफ इंटरनल कंट्रोल के ओ फॉर आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन अगर आपको आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ठीक है अगर आपको ऐसे ट्रांजेक्शन दिख रहे विच इज आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस अजीबो गरीब वहां पर भी ओवरहेड के चांसेस बहुत ज्यादा है जर्नल एंट्रीज जो आखिरी आखिरी में पास होती है वहां पर भी ओवर ऑफ कंट्रोल के चांसेस में ओवर ऑफ कंट्रोल के चांसेस बहुत ज्यादा है आइए दोस्तों तीन तरह के थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क के लिए क्या करना असरशन लेवल रिस्क के लिए क्या करना और असरशन असर्शन लेवल रिस्क के लिए क्या करना इसके बाद मैनेजमेंट ओवर ऑफ कंट्रोल के लिए क्या करना है? ये सारे रिस्पॉन्स के बाद में हमको ढेर सारा एविडेंस मिलेगा विल गेट लॉट ऑफ एविडेंस एविडेंस हमको बहुत सारा मिलेगा दोस्तों अब अगर हमको बहुत सारा एविडेंस मिलेगा हमको क्या करना है करनालुएट करना चाहिए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाने है, बहुत सारी हमको इन्फॉर्मेशन मिली उसको स्टडी करके इवेलुएट करना चाहिए कहीं पे कोई न्यू रिस्क ऑफ मटेर मिस्टेटमेंट तो नहीं है

तो बहुत बड़ी बात है बहुत बड़े इंप्लीकेशन है हमको ठीक है फ्रॉड रिस्क अगर ऐसा ऐसा हुआ है फ्रॉड रिस्क को बढ़ाना पड़ेगा ऑडिट प्रोसेस को बढ़ाना पड़ेगा और ज्यादा सोर्सेस से एविडेंस इकट्ठा करना पड़ेगा ठीक है और अगर ये रेक्टिफाई नहीं होते फ्रॉड्स तो हो सकता है ओपिन पे भी इंपैक्ट जाए तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का एविडेंस इवेल्युएट करिए आपको नए नए रिस्क मिल सकते हैं फर्दर प्रोसेस का इवेल्यूट करिए आपको मिसस्टेटमेंट मिल सकता है मिस्टेट मिला तो आगे पूछिए फ्रॉड है क्या फ्रॉड है तो आगे पीछे मैनेजमेंट फ्रॉड या क्लूजन है क्या अगर वो मिल जाए तो आपको रिस्क प्रोसेस को बढ़ाना पड़ेगा एविडेंस के सोर्सेस को बढ़ाना पड़ेगा हो सकता है ओपिन पे इम्पैक्ट है वेरी इंटरेस्टिंग एक्सेप्शन सर्कमस्टिस पहले समझा रहे एक्सेप्शन सरकमस्टांस मतलब क्या आप ऑडिट करने जाते हो आपको एक्चुअल फ्रॉड मिलता है सस्पेक्टेड फ्रॉड मिलता है और लेकिन आप देखते हो मैनेजमेंट कोऑपरेट ही नहीं कर रहा मैनेजमेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा है फिर मैनेजमेंट के लोग खुद इन्वॉल्व है ये बहुत एक्सेप्शनल हो गया। हम हो हम घबरा जाते क्या क्या करें सिचुएशन में तो पहले आराम से बैठ के सोचिए कि लॉज और रेगुलेशन के हिसाब से ये जो मुझे मिला है एक्चुअल फ्रॉड है सस्पेक्टेड फ्रॉड इसके बारे में किसी को बताना है अगर बताना है तो बता दीजिए जैसे कंपनीज एक्ट है आरबीआई सर्कुलर्स है कंपनीज एक्ट है आरबीआई सर्कुलर्स है उसके हिसाब से किसी को बताना है तो बता दीजिए ठीक है। फिर अब एक्सेप्शनल सर्कल में बता दिए अब आराम से बैठ के विड्रॉल के बारे में सोचिए इवेल्युएट करिए कि भाई क्या सही में आ, ट करिए कि क्या मेरा पूरा ट्रस्ट खत्म हो चुका है मैनेजमेंट के ऊपर से लोगों के ऊपर से इनके सिस्टम्स के ऊपर से क्या मैंने विड्रॉ करना चाहिए डिसकंटिन्यू करना चाहिए अगर ऐसा लगता है तो जाके डिस्कस करिए क्या रीजन्स है बताइए उनको मैं क्यों डिसकंटिन्यू करना चाहता हूँ उनकी बात सुनिए समझिए ठीक है, है। और जब आपका विड्रोवल फाइनल हो जाए फिर आप लोगों को रिपोर्ट करिए अथॉरिटीज को रिपोर्ट करिए विड्रॉवल के बारे में आरओसी को बताइए सीएजी को बताइए स्ट्राइन को बताइए ठीक है तो पहले एक्सेप्शनल सर्कमस क्या होते हैं उसके बारे में बात करिए उसको रिपोर्ट करना उसके बाद विड्रॉल को लेकर सोचना पड़ता है डिस्कस करना पड़ता है जब फाइनल हो जाए तो रिपोर्ट भी करना पड़ता है इवेल्यूड डिस्कस रिपोर्ट मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर लेना होगा दोस्तों मैनेजमेंट मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर हम लोगों को लेना पड़ेगा उसमें क्या लिख कर लेंगे प्राड़ा फ्रॉड प्रिवेंशन डिटेक्शन करेक्शन फ्रॉड प्रिवेंशन डिटेक्शन करेक्शन आपकी जिम्मेदारी है इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिवेंशन डिटेक्शन एंड करेक्शन आपकी जिम्मेदारी में आएगा ठीक है फिर आर सेंड फॉर रिजल्ट भाई मैनेजमेंट आपको आपका जो इंटरनल रिस्क असेसमेंट प्रोसेस था उसमें जितनी भी आपको फ्रॉड रिस्क मिले आपने सब हमारे साथ शेयर किया कुछ भी नहीं छुपाया लिख कर दो जिम्मेदारी आपकी लिख कर दो आपने सारे रिजल्ट हमारे साथ शेयर किया लिख कर दो आपने सारे एक्चुअल सस्पेक्टेड एलेश फ्रॉड जो भी आपको पता थे पहले के अभी के पहले के जो आपको पता चले किसने बताया आपको एम्प्लॉय एनालिस्ट रेगुलेटर्स वो आपने हमको बता दिया कुछ भी नहीं छुपाया

टीसी रिव्यू का क्या अगर मैनेजमेंट और टीसी रिव्यू सेम है तो अलग से कोई कम्युनिकेशन नहीं करना अलग है तो आपको बड़े फ्रॉड बताने जहां पर टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व है या फिर ऐसा इंप्लाइ जो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इंटरनल कंट्रोल्स में फाइनेंशियल प्रिपरेशन में बड़े लेवल के फ्रॉड बताने और इस लेवल के फ्रॉड को ठीक है आप क्या नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर आप लगाने वाले हो फ्रॉड के लिए वो भी बताइए ठीक है

कम्युनिकेशन टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज कम्युनिकेशन टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लॉज एंड रेगुलेशन आप अच्छे से लॉज एंड आप बहुत अच्छे से लॉज एंड रेगुलेशन को पढ़िए लॉज आप लॉज एंड आप बहुत अच्छे से लॉज एंड रेगुलेशंस, लॉज लॉज एंड रेगुलेशन को आप पढ़िए ठीक है अब वहां पे आपको पता चलेगा कि भाई फ्रॉड के बारे में किस किस को बताना है वो रिपोर्टिंग आप कर दीजिए टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के हिसाब से भी तो पहले लॉज रेगुलेशन टर्म्स के हिसाब से आपको पता चलेगा कि गवर्निंग बॉडी रेगुलेटरी अथॉरिटीज को बताना है कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखिए आपको प्रिजर्व करनी पड़ती है कॉन्फिडेंशियलिटी आप लॉज रेगुलेशन देखिए कॉन्फिडेंशियलिटी भी ध्यान में रखिए ठीक है और ये कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है प्रेशर बढ़ जाता है जब वो कोई करेक्टिव एक्शन नहीं लेते तो वेन दे डोंट टेक एनी करेक्टिव एक्शन क्या डॉक्यूमेंट करना पड़ता है जो रिस्क ऑफ फ्रॉड मिली थी वो डॉक्यूमेंट करो आपने क्या क्या रिस्पॉन्स दिया एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल असरशन लेवल मैनेजमेंट ओवरराइड वो भी आपको वो सारे रिस्पॉन्सेस वो सारे रिस्पॉन्स आपको बताने पड़े वो सारे रिस्पॉन्स डॉक्यूमेंट करने पड़ेंगे फिर आपको जो फ्रॉड मिले उसके कम्युनिकेशन आपने किसी से क्या क्या किए और आखिरी में प्रिजम्स को लेकर डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ध्यान में रेवेन्यू रिकॉग्निशन में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड रिस्क ऐसा मान लीजिए आप मान लीजिए उसके हिसाब से आप ऑडिट प्रोसीजर तय करके उसको एग्जीक्यूट करिए मानकर चलिए हमेशा ज्यूम दैट ठीक है नाउ ये निजम्पन है लेकिन ये नॉट एप्लीकेबल होता है इट इज नॉट एप्लीकेबल कहां पे नॉट एप्लीकेबल होता है वे विल बी नॉट एप्लीकेबल अगर ऑडिट टीम ये प्रूव अगर ऑडिट टीम ये समझती है कि यार बहुत सिंपल रेवेन्यू स्ट्रीम है सिंपल रेवेन्यू स्ट्रीम है सिंगल रेवेन्यू स्ट्रीम है सिंपल रेवेन्यू स्ट्रीम है स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल फॉर एग्जाम्पल इनकी तीन बिल्डिंग है तीन बिल्डिंग है इनकी हार्डली इनकी तीन बिल्डिंग है और इनके लॉन्ग टर्म रेंटल कॉन्ट्रैक्ट बने हुए तीन कंपनियों के साथ हर महीने बस तीन एंट्री ड्यू की होती है तीन एंट्री रिसीट की होती है दैट्स इट रेंट भी फिक्स्ड है इतना इतना सिंगल सिंपल स्ट्रांग कंट्रोल है तो हम बोलेंगे बोलेगा ये ठीक आप है आपको डॉक्यूमेंट करनी पड़ेगी बात कि प्रेजम्पन नॉट एप्लीकेबल तो आप बताइए क्या प्रिजम्पन होता है एप्लीकेबल है डॉक्यूमेंट एक क्वेश्चन पूछा था इंस्टीट्यूट ने कि मल्टीपल स्ट्रीम्स है बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज है कंट्रोल्स वीक है और वहां पे टीम ने प्रिजम्पन को नॉट गलत बात। जहां पे सिंगल सिंगल स्ट्रीम हो सिंपल हो कंट्रोल स्ट्रांग है वहीं पे आप ये प्रिजर्म्पन को नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं दोस्तों अगर मजा आया तो जरूर हमारे सभी वीडियोज को शेयर करिए कमेंट करिए आपके कमेंट देख के हमको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है